वहाँ में किसानों के खिलाफ ये कानून था। हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस बात को सदन में बड़े ताकत से बोली थी, शायद आप लोगों ने भी इस बात को सुना हो। और उन्होंने इस बात को कहा था कि तीनों काले कानून भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी को वापस करने पड़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता, आज नहीं तो कल किसानों की जीत होगी। और वो घटना अक्षरशः दिखाई दे रही है, यह कानून उनको वापस करना पड़ा। हम तो वहाँ पर गए थे उस सिंधु बॉर्डर पर, और वहाँ जो जज्बा किसानों का हमने देखा था, तो वहाँ पे लोगों का कहना था, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे माताएं बहन, हम लोग माला घर में रख रख करके आए हैं और ये कह करके आए हैं कि अगर हमारी जीत होगी तो लौट के जाऊंगा तो ये माला हमें पहना देना, और अगर हमारी हार होती है, हम शहीद होते हैं, तो ये माला फोटो में लगा देना। ये उसी दिन मैं आकर के शायद आप लोगों से उस टाइम भी हमने चर्चा की थी, ये बात को कहा था कि किसान किसी हालत में पीछे हटने वाले नहीं हैं और अंततः किसानों की जीत होगी। और ये भारत किसी प्रधान देश है, प्रधानमंत्री का देश नहीं है, ये कृषि प्रधान देश है। 80% किसानों पर आधारित देश है, तो किसानों की जीत होना तो निश्चित ही ईश्वर भी है। और अंत में नरेंद्र मोदी का अहंकार हारा, नरेंद्र मोदी बुरी तरह से हारे, इसको देखता हूँ। मंत्री बात में इन्होंने इतना सरलता से किसान आंदोलन वापस ले लिया, क्या कह रहे हैं आप? हम क्या कहें, अभी भारत की जनता जाने, यहाँ की मीडिया जाने, देश की मीडिया जाने। देश की मीडिया तो उनको हिटलर शाही मानती थी, देश की मीडिया तो उनको सबसे ज्यादा ये करती थी। तो अब वो अंजना ओम कश्यप है उधर, अरुण गोस्वामी है उधर, वो सब बताएं कि क्या है नरेंद्र मोदी। एक किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े, हाथ जोड़ करके बैठ गए। भाई भारतीय किसान संघ, भारत के नेता, हमारे कांग्रेस के नेता, सभी हम सब ये मांग करते हैं कि 750 किसानों की जो शहीदी हुई है उस पर नरेंद्र मोदी क्या निर्णय ले रहे हैं। अब किसान आंदोलन तो उस पर भी चर्चा करेगा, तभी किसान आंदोलन समाप्त होगा, ऐसा मैंने कल भी देखा है सुना। अब ये यूपी देखिए, स्वाभाविक है कि जब आदमी को समझ में आता है कि हमारी